कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए तीन तलाक पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी कहा कि वह संसद में तीन तलाक पर नया कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र जो कानून बनाएगा उसमें मुस्लिम संगठनों और शायरा कानून संबंधी चिंताओं का ख्याल रखा जाएगा। केंद्र ने राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को दरकिनार रखने और तीन तलाक के संबंध में कानून बनाने में केंद्र सरकार की मदद करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने में कानून नहीं बनाया जाता तो तीन तलाक पर शीर्ष अदालत का आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किए जाने का हवाला दिया। कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ में 3 जज इसे असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 जज इसके पक्ष में नहीं थे। इसके पूर्व 11 से 18 मई तक रोजाना सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मंगलवार का दिन तय किया था। दरअसल शायरा बानो ने तीन तलाक के खिलाफ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर शायरा का तर्क था कि तीन तलाक ना तो इस्लाम का हिस्सा है और ना ही आस्था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहता है कि यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इस पर क्या कानून बनाती है। बाकी की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल HSB News को सब्सक्राइब करें।